अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ हैदराबाद, लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस। आज हमने, जैसे आपको पता है, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। और आज हमारा लेक्चर नंबर, चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर हमारा 5 है। तो लास्ट टाइम जो हमने स्टडी किया था, थोड़ा सा रिकैप दूंगा हमने क्या स्टडी किया था, किस चीज़ को हम कंटिन्यू करके लेके जा रहे हैं, और फौरन से मूव कर दूंगा टुडेज़ लेक्चर पे जो आज हमने स्टडी करना है। लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था कि सिंपल इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन होती क्या है, इंक्रिप्शन किस पर्पज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, और इंक्रिप्शन एक्चुअल में होती क्या है कि उसको हम लोग एक्चुअल इंक्रिप्शन होती है कि आपने ए टाइप किया है तो वहाँ पर आपको कुछ और आए, यानी कि बी आ जाए, सी आ जाएगी, ताकि ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस में कोई थर्ड पार्टी आकर आपके मैसेज को रीड करने की कोशिश करती है या चेंज करने की कोशिश करती है, लाइकवाइज हैकर, तो वो उसके लिए अनरीडेबल डेटा हो जाए ताकि उसको अंडरस्टैंड ही ना कर सके। फिर वही मैसेज जब हम इंक्रिप्शन फॉर्म में जा रहा होता है तो वो यूजर एंड पे जब रिसीवर उसको रिसीव करता है तो उस पर की होती है, जो वो की पुट करता है देन वो मैसेज उसको ओपन हो जाता है, तो उसके सेंडर ने उसको भेजा था, वो होता है डिक्रिप्शन। इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन मोस्टली जो पेपर में आपका सवाल आता है वो यही आता है कि डिफरेंस बिटवीन इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, या डिफाइंड इंक्रिप्शन और डिफाइंड इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन भी आ सकता है। सेम लाइकवाइज इसलिए फिर हमने एक स्टडी किया था साइफर टेक्स्ट, कि जो नॉन रीडेबल डेटा होता है उसको हम साइफर टेक्स्ट कंसिडर करते हैं क्योंकि हम उसको रीड ही नहीं कर सकते। देन की होती है ऑटो जनरेटेड, एंड पासवर्ड जो हम लोग ह्यूमन जनरेट करते हैं, जैसे हम उसको रिमेंबर रखेंगे रखना पड़ता है। की को हम लोग रिमेंबर नहीं रखते क्योंकि हमें याद करने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटो जनरेटेड होती है, जस्ट वो वन टाइम के लिए होती है। लाइकवाइज ओटीपी वन टाइम पासवर्ड की तरह से। आज का हमारा लेक्चर है सब्सटीट्यूशन साइफर मेथड की। आपको सब्सटीट्यूशन साइफर मेथड होता क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमारे पे इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट वन हमारे पास क्या था, केसर साइफर। केसर एक जर्मन पॉलिटिशियन था, ये उसी के नेम पे उन्होंने केसर साइफर रख दिया। एक्चुअल में वो क्या था, एक मिलिट्री का हेड था, तो ड्यूरिंग द वार उसने जो भी एडवाइस देनी होती थी अपने सबऑर्डिनेट को, या उन्होंने जो भी इंस्ट्रक्शन देनी होती थी ताकि एक कॉमन बंदा उसको अंडरस्टैंड ना कर सके, इसलिए उसने इस मेथड को यूज़ किया। इस मेथड में हम लोग क्या करते थे, वो लोग लाइक वाइज कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो सिर्फ एक कंट्री के जो हाई लेवल्स ऑफिसर होते हैं सिर्फ उन्हीं को इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, ताकि ऑडियंस के सामने वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने शो नहीं करवानी, तो इसलिए वो लोग इस मेथड को यूज़ करते हैं थे कि यहाँ पर उन्होंने फॉर एग्जाम्पल ए टाइप किया है तो जब उसको रिप्लेस कर देता था वो डी के साथ, बी उसने टाइप करना चाहता वो क्या लिख देता था, जी लिख देता था। इट्स मीन डेट कि वो सबको, सब करेक्टर्स को उसने रिप्लेस कर दिया था ऑन वर्ड, जो उन्होंने एक स्कीम बनाई हुई थी कि अगर मैं ए टाइप करूँ तो इट्स मीन आपने समझना कि ये डी है, अगर मैं बी टाइप करूँ इट्स मीन आपने समझना कि ये ई है, एक्सेट्रा। इसी वाइज ही वो मूव करते थे ताकि जो भी वो इंस्ट्रक्शन उन्होंने फॉलो या सेंड करनी है किसी नेक्स्ट को या अपने सबऑर्डिनेट को, कि इजीली वो उसको अंडरस्टैंड कर ले, और कोई थर्ड पार्टी अगर उस मैसेज को रीड करने की कोशिश भी करेगा तो उसको रीडेबल नहीं होगा। क्यों, उसने एक्चुअल सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक प्रोसेस यूज़ किया हुआ है कि उसने लिखेगा कुछ और लेकिन शो कुछ और हो रहा होगा, ये सिर्फ वही अंडरस्टैंड कर सकता है जिसको आपने समझाया होगा कि अगर मैं ये टाइप करूं तो आपने ये समझ लेना है। फिर वो उसको ये जाएगा इंक्रिप्शन फॉर्म में। अब ये जो आप, ये डेटा आया ये क्या, इंक्रिप्शन फॉर्म में आया, इंक्रिप्टेड डेटा आपका, जब ये रिसीवर के एंड पे पहुंचे इसको आपने इंस्ट्रक्शन देनी थी, जब वो रिसीव करेगा तो वो इसको डिक्रिप्ट करेगा अकॉर्डिंग टू योर क्राइटेरिया, जो आपने क्राइटेरिया उसको बताया होगा या जो क्राइटेरिया आपने मेंटेन किया होगा वो उसी को फॉलो करके देन उस मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा और आपकी इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड करेगा और अकॉर्डिंग टू उसके मुताबिक वो वर्क करेगा। तो ये उस पॉलिटिशियन, उस जो चीफ था उस आर्मी का, उसी की बेस पे उन्होंने इसका नेम रख दिया केसर साइफर। ये हमारा एक मेथड है कि हम इंक्रिप्शन डेटा को जो पास्ट में यूज होता था वो इस तरह से यूज होता था। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, विजनर साइफर। ये एक और अदर टर्म है उसी की कि विजनर साइफर के, तो इसमें एक टेबल होता है। लाइकवाइज इसमें हमारे पास सिंपल एक रोज एंड कॉलम होती है, इसमें हमारे पे एक टेबल बना दिया जाता था रोज एंड कॉलम में, जिसमें हमारे पे करेक्टर्स होते हैं अल्फाबेटिकल कैरेक्टर 26 रोज होती हैं, 26 कॉलम्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस 26 रोज एंड कॉलम होते हैं, हम उसको रिप्लेस कर देते हैं हर कैरेक्टर को विद द अदर। लाइकवाइज की अगर हमने इंक्रिप्शन करनी, मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दूंगा इस टेबल की कि किस तरह से हम लोग इंक्रिप्ट करते हैं। लाइकवाइज की अगर हमें बी था, हमने बी को इसमें तो सिंपल था कि आप अपना क्राइटेरिया खुद मेंटेन करते थे कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है, या मैं ए टाइप करूंगा बी समझ लेना। जो नेक्स्ट वन है इसमें आपको एक टेबल दे दिया जाता था 26 रोज का, 26 कॉलम का, आप वहाँ से अल्फ़ाबेट जो आपने मैच करना होता था उसको सिलेक्ट करते थे, देन अकॉर्डिंगली उसके मुताबिक उसको इंक्रिप्ट करते थे और डिक्रिप्ट करते थे। लाइकवाइज कि अगर मैंने बी टाइप करना है, जब मैं उसकी इंक्रिप्शन करूंगा बी की, तो बी देखूंगा बी यहाँ पर है कॉलम में, जब रो में देखूंगा बी यहाँ पर है, तो इसके इन दोनों के रेसिप्रोकल जो वर्ड आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारे पास, सी आ रहा है। तो मैं बी की जगह पर क्या लिख दूंगा, सी। और जब मैंने डी को इंक्रिप्ट करूँगा, डी और डी
तो यहाँ पे क्या जाएगा, इसके मेरे पैरेलल आ जाएगा वर्ड जी। तो इट्स मीन डेट जब मैं इसको इंक्रीप्ट करने जाऊंगा तो मैं बी की जगह पे सी लिख दूंगा और डी की जगह पे जी लिख दूंगा, सो इसी तरीके से ये मूव करता जाएगा। और जब मैं इसको सेम जब मैं इसको डिक्रिप्ट करूंगा तो जो करने वाला होगा आपसे जी देखना होगा, तो इसी मिनट वो उसके अपने टॉप पे देखेगा कि कौन सा लेटर आ रहा है और राइट पे लेफ्ट मोस्ट मोस्ट पे देखेगा कि कौन सा वर्ड आ रहा है, उसको मैच करके वही वर्ड कंसिडर करेगा कि मैंने ये वाला वर्ड लेना है डिक्रिप्शन के लिए। सेम इस दोनों का इन दोनों का थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस होता है, फर्क सिर्फ ये होता है कि उसमें इसमें हमारे पास एक टेबल दिया जाता है जिससे हम लोग इसको इंक्रिप्ट करते हैं और डिक्रिप्ट करते हैं, और वो एक पैरल जो उनके एक साइज बना दिया गया है, जो उनका एक सिस्टम बना दिया गया है उसी को फॉलो करना पड़ता है। और बट जो ऊपर केस में ये हमारे पे ये कंडीशन नहीं होती, इसमें ये होता है कि ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने क्या क्राइटेरिया मेंटेन करना है, आपने एक जगह पे बी को रखना है या एक जगह पे डी को रखना है, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस तरह से उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, यूजिंग विजनेस साइफर विजिट्स। विजिट्स ये है कि अगर करंटली जो थोड़ा बहुत ये एडवांस लेवल अगर हम लोग देखें तो ये आते हैं विजिट्स आते हैं। विजिट्स में ये होता है कि हम लोग पहले यहाँ पे क्या करते थे कि मैन्युअली करते थे, कि मैन्युअली क्या होता था कि वर्ड आया उसको टाइप किया उसको इंक्रिप्ट किया फिर उसको सो ऑन आगे सेंड करने के लिए फिर उसने रिसीवर ने रिसीव किया फिर उसको डिक्रिप्ट मैन्युअली करेगा खुद करेगा देन उसको वो अंडरस्टैंड करेगा। इसमें ये होता है जस्ट हम लोग जो अभी हमारा मैसेज होता है उसको हम लोग टाइप करते हैं और वहाँ पे इंक्रिप्शन के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं देन उसको स्टार्ट कर देते हैं, तो वो आपका सारे के सारे मैसेज को ऑटो क्या कर देता है, इंक्रिप्ट कर देता है। आपको ये करने की मैनुअल करने की जरूरत नहीं पड़ती, वन वर्ड को उठा के उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो सॉफ्टवेयर डायरेक्ट ऑटो आपके मैसेज को इंक्रिप्ट कर देगा ताकि जो नॉन रीडेबल फॉर्म होगी आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। जब वही मैसेज आप अपने रिसीवर को या अपने सबऑर्डिनेट को उसको सेंड करेंगे तो वो उसी मैसेज को दोबारा से सॉफ्टवेयर में डालेगा और उसको डिक्रिप्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करके उसको जब रन करेगा तो सारे सारे मैसेज आपका क्या हो जाएगा, डिक्रिप्ट हो जाएगा और आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। सेम यही असल में इसका पर्पज़ क्या है, इन मेथड को यूज़ करने ताकि हमारी इन्फॉर्मेशन जो थर्ड पार्टी है वो यूज़ ना कर सके, उसको थर्ड पार्टी को अंडरस्टैंड ना हो सके। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन इस तरह से लीक हो जाएगी तो हमें इस तरह से लॉस हो सकता है, क्योंकि ड्यूरिंग द वार जीरो कुछ भी आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत अहमियत की हमल होती है, आप वन स्टेप से मूव करके आगे विन भी कर सकते हैं गेम को, लॉस भी कर सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू। सेम नेक्स्ट अगर मैं इसका प्रैक्टिकल देखूँ कि प्रैक्टिकल डिस्क्रिप्शन क्या होता है, सेम इस तरह से जब आपने मैसेज इंक्रिप्ट कर लिया और वो सेंड कर दिया अपने रिसीवर को या सबऑर्डिनेट को, उसने रिसीव कर लिया, अब उसने क्या करना है उसको डिक्रिप्ट करना है, तो वो देखेगा कि मैंने इन दोनों में से कौन सा मेथड यूज़ करना है, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपने उसको बताया होगा कि मैंने कौन सा मेथड यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमने ये वाला मेथड यूज़ करना था विजनर साइफर वाला टेबल वाला, तो अगर उसने बी टाइप किया होगा तो वो देखेगा कि बी के केस में कौन सा वर्ड आ रहा है, बी के टॉप पे देखेगा और राइट पे देखेगा, जो वर्ड वो बनता होगा उसको सेलेक्ट करके फिर इस तरह से वो कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करेगा। जब उसके सारे वर्ड्स कन्वर्ट हो जाएंगे और उसका मल्टीपल कॉम्बिनेशन बन जाएंगे तो फिर वो उसको रीड करेगा मैसेज को, एक्चुअल में मुझे इंस्ट्रक्शन क्या दी गई हैं और मैंने उसको किस तरह से फॉलो करना है, फिर वो आपको भी सेम जब रिप्लाई देगा तो वो उसी मेथड में देगा ताकि कोई और थर्ड पार्टी उसको मैसेज को रीड ना कर सके। यूजिंग फ्रीक्वेंसी एनालिसिस एंड अदर टर्म हमारे पास आती है कि आपने यूज करना है फ्रीक्वेंसी एनालिसिस को। इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम लोग ये देखते हैं कि आपके जो अल्फाबेट होते हैं 26 उसमें से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी आ रही है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा आ रही होती है तो क्या होता है हम उसको यूज करते हैं, उसको फर्स्ट पे रखते हैं देन उससे कम वाले को सेकेंड पे फिर थर्ड को फिर सो ऑन इस तरह मूव करते रहते हैं। हम लोग डिपेंड करता है हम उसकी फ्रीक्वेंसी देखते हैं कि ये जो आपका अल्फाबेट है उसकी फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में क्या होती है कितने मल्टीपल टाइम्स आया है इसको हमने देखना होता है कि 8-10 टाइम्स आया है, सी बी टाइम 5 टाइम्स आया है, इसी तरह से डी हमारा 10 टाइम्स आया है, हम उसको मैच करते रहते हैं। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है हम लोग वो वाले अल्फाबेट लेटर यूज़ करते हैं देन वो उसको इंक्रिप्ट और डिक्रिप्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। वीकनेसेस क्या हैं, वीकनेसेस इसकी क्या है कि अगर आपसे थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए तो आपके सारे के सारे मैसेज का वर्ड ही चेंज हो जाएगा, उसका सारा का सारा पर्पज ही चेंज हो जाएगा, सारा का सारा मकसद जो होगा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर जरा सी स्लैंडी चेंज हुई आपसे तो आपका पूरे के पूरे मैसेज का मीनिंग चेंज हो जाएगा। इसलिए ये बहुत केयरफुली हमें करना पड़ता है ताकि जो आगे इन्फॉर्मेशन हम लोग जो आगे सेंड कर रहे हैं वो उसको ईजिली अंडरस्टैंड भी करे, ना कि ये ना हो कि हम इन्फॉर्मेशन उसको इंक्रिप्टेड फॉर्म में भेजते हैं और वो इंक्रिप्टेड फॉर्म को अंडरस्टैंड ही ना करता हो। तो हमने एक ऐसा सिस्टम जनरेट करना है या ऐसा सिस्टम बनाना है ताकि जो हमारे इंक्रिप्टेड डेटा को अंडरस्टैंड करे, उसको डिक्रिप्ट करे अपने पास, देन उसी के मुताबिक हमें वो रिप्लाई भी दे दे इंक्रिप्टेड फॉर्म में, फिर हमारे पे आगे वहाँ उसको खुद ही डिक्रिप्ट कर लेंगे।
आज हमने जो स्टडी किया आपको रिकैप देता हूं, हमने आज क्या क्या स्टडी किया। फर्स्ट वन हमारे पास क्या था कि सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड था। फर्स्ट वन क्या था, केसर के, केसर क्या होता है, केसर को हमने किया कि हमने एक अल्फाबेट को रिपीट कर देते हैं, चेंज करते हैं दूसरे के साथ और सो ऑन, इस तरह से मूव करते रहते हैं अंटिल के जब तक हमारे करेक्टर सारे कवर नहीं हो जाते। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, विजनेस साइफर। विजनेस साइफर में हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल होता है हमारे पास, इसमें 26 रोज होते हैं, 26 कॉलम्स होते हैं, फिर हम एक उस स्पेशल अल्फाबेट को मैच करते हैं एट द टॉप ऑफ द रो, एट लेफ्ट में मूव कर देखते हैं उस कॉलम के साथ, देन जो उनका कॉमन अल्फाबेट होता है उसको हम लोग सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। देन हमारे यूजिंग विजनेस साइफर विजिट, विजिट क्या होता है, ये ऑटो जनरेटेड सॉफ्टवेयर होता है, आप जिस इसमें अपना मैसेज टाइप करते हैं वो आपको मैसेज को इंक्रिप्ट करके आपको साइन कर देता है, देन वही मैसेज आप आगे फॉरवर्ड कर देते हैं और वो आपको जो यूज़र होता है उसको इजीली अंडरस्टैंड करके उसको डिक्रिप्ट कर लेता है। प्रैक्टिकल में ये होता है कि आपको जो इंस्ट्रक्शन दी गई होती हैं आप उसको फॉलो करते हैं, देन उस मैसेज को कन्वर्ट करने की, डिक्रिप्ट करने की कोशिश करते हैं। और लास्ट वन हमारे पे क्या है कि यूजिंग फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के आप उसकी फ्रीक्वेंसीज देखते हैं कि कौन सा अल्फाबेट कितने टाइम्स आया हुआ है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी हम उसी अल्फाबेट को कंसिडर करेंगे और उसी को फॉलो करते हुए नेक्स्ट हम अपने अल्फाबेट को, अपने मैसेज को डिक्रिप्ट करने की कोशिश करें ताकि हम उसको इंफॉर्मेशन को रीड आउट कर सकें। और लास्ट वन वीकनेस के, हर चीज़ की जो एडवांटेजेस होते हैं उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, लाइक इसकी वीकनेसेस, एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं तो हमें इसकी वीकनेस भी हैं कि अगर आप थोड़ी सी स्लाइटली मिस्टेक करेंगे तो आपके पूरे के पूरे मैसेज का मकसद पर्पज चेंज हो जाएगा, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको आज के लेक्चर समझ आया होगा, इससे रिलेटेड अभी कोई भी क्वेरी तो प्लीज़ कमेंट में पूछना मत भूलिएगा और हमारे चैनल एक्सरसाइज अकेडमी को लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।